नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। क्राइम का लॉकडाउन कब? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे तो सरकार अपराध पर लगाम लगाने की बात बहुत करती है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन आपराधिक घटनाओं की खबर सुनने में ना मिले। ऊपर से इन अपराधियों में भी पुलिस प्रशासन का कोई डर देखने को नहीं मिलता। कहीं दबंगों की दबंगई तो कहीं किसी की हत्या, वहीं ये अपराधी भी कभी कभी खुलेआम प्रशासन को चुनौती तक दे देते हैं। उनका यूं चुनौती देना एक तरह से प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता है। आज फिर हम यूपी की कुछ ऐसी वारदातों को आपसे रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि सुशासन और सुव्यवस्था का यूपी में कितना बेहाल है और कितना बोलबाला है। तो ऐसे में पांच तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, पांच तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश में वादे करने वाली सरकार के सामने कितने अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गोरखपुर से भी कुछ ऐसी ही एक आपराधिक घटना सामने आई है, सीतापुर से भी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, रायबरेली और सुल्तानपुर सीतापुर, तमाम जगहों से ऐसी आपराधिक घटनाओं की तस्वीरें सामने आई हैं जिनके बारे में हम आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से बताएंगे, जानकारी देंगे और एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, ताकि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप भी सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन भले ही तमाम वादे तमाम दावे कर ले कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, हालांकि अब तो चुनाव भी नजदीक है, सरकार बहुत अपनी पीठ थपथपाती हुई भी नजर आ रही है कि माफियाओं पर लगाम लगाई है, लेकिन असलियत क्या है इन पांच तस्वीरों के जरिए आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे सबसे पहले पहली खबर का, गोरखपुर से जो है। तो गोरखपुर में कांग्रेस नेत्री और उसके नाबालिग बेटे ने ट्रैफिक दरोगा अजय सिंह को पीट दिया और उसके साथ हाथापाई की। दरअसल आपको बता दें कि गोलघर के कचहरी चौक पर एक घंटे तक पुलिस कर्मियों से दोनों की हाथापाई होती रही। इस बीच लात घूसे भी चले नेत्री और उसका बेटा लगातार पुलिस वालों को गाली भी देता रहा। ऐसे में नेत्री के बेटे ने दरोगा का बिल्ला भी नोच लिया। इस दौरान लोगों की भीड़ भी जुट गई। बाद में वहां पर यातायात निरीक्षक महिला पुलिस कर्मियों के सहयोग से नेत्री और उसके बेटे को कैंट थाने लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्री अपने बेटे के साथ बाइक से जा रही थी और बाइक पर हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, साथ ही सिग्नल भी तोड़ दिया था। इन्हीं सब चीजों को लेकर जब दरोगा ने बाइक को रोका तो इसके बाद नेत्री छोड़ने का दबाव दरोगा पर बनाने लगी और देखते ही देखते हाथापाई उनकी शुरू हो गई। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस की ये नेत्री है, जनता के कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं ये, और वही अगर इस तरह का बर्ताव करेंगे, इस तरह की दबंगई दिखाएंगे और अगर इसी तरह की तस्वीरें उन्हीं के थ्रू सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि अपराधियों पर तो लगाम लगाना छोड़िए, अगर नेताओं पर ही लगाम नहीं लग सकेगी तो अपराध कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रदेश में, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। क्योंकि कांग्रेस की ये नेता हैं जिन्होंने सिर्फ गलती भी खुद की और उसके बाद वहाँ पर दबंगई भी दिखाई, ना तो बाइक पर बैठ कर हेलमेट लगाया, साथ ही ना तो सिग्नल उन्होंने फॉलो किया, सिग्नल भी तोड़ा, और उसके बाद जब दरोगा ने इन सभी बातों को लेकर उनको रोका तो उनके बेटे और उन्होंने दोनों ने ही दबंगई दिखाना शुरू कर दिया। जो मारपीट की है हम लोग तो उसके बारे में पूरा जानते नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, मानसिक पीड़िता का साथ में लग रही है, लेकिन महिला होने के नाते हम लोग इसकी मदद की। पुलिस के ऊपर हाथ उठाना ये अच्छी बात नहीं है। वो अपने आप को प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं, हमारे महिला हुए हैं। तो गोरखपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरह से शहर के बीचों बीच चौराहे के बीचों बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और देखिए, नाबालिग बेटा है इस कांग्रेस नेत्री का और दोनों ही वहाँ पर दबंगई करते हुए नजर आए, हालांकि दरोगा से हाथापाई भी हुई और ऐसे में उसके बाद उन दोनों को ही थाने ले जाया गया। मामूली सी बात बस ये थी कि दरोगा ने हेलमेट नहीं लगाने पर उन्हें रोका था और सिग्नल तोड़ने पर उन्हें रोका था, लेकिन उसके बाद अपनी गलती मानने की तो बात छोड़िए, यहाँ पर इस कांग्रेस नेत्री ने दबंगई यहाँ पर दिखा दी, दरोगा से हाथापाई करती हुई नजर आई।
तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे अगली तस्वीर जो सुल्तानपुर से सामने आ रही है, क्योंकि सुल्तानपुर में भी एक अनोखा मामला देखने को मिला है। दरअसल जहां बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं जिले की बीजेपी नेत्री गरीब को घर से बेघर करने पर लगी हुई है। दरअसल दिव्यांग सुरेंद्र साहू ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से की है। आपको बता दें कि सुरेंद्र साहू का आरोप है कि बीजेपी नेत्री उसकी जमीन पर कब्जा कर रही है। तो देखिए एक के बाद एक तस्वीरें अपराधियों की आम जनताओं की नहीं सामने आ रही, लेकिन उन नेताओं की सामने आ रही है जो जनता के ही जनप्रतिनिधि हैं और उनको ही परेशान वो कर रहे हैं। ये पूरा मामला सुल्तानपुर का है जहां पर बीजेपी की नेत्री की दबंगई देखने को मिली है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, यही पीड़ित शख्स है जिसने शिकायत की है और बीजेपी नेत्री पर आरोप लगाया है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर बीजेपी नेत्री कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लोग गवरिया के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि उन्होंने बाउंड्री वगैरह बनाया था और कुछ लोग जा करके उसको तोड़ दिए और इनके साथ गाली गलौज किए हैं, और इनका कहना यह है कि बाउंड्री इनकी बनने नहीं दे रहे हैं। तो प्रार्थना पत्र लिया है, मैं नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम मौके पर भेज रहा हूँ और इसके वहाँ पर देख करके जाँच करके इनकी समस्या का समाधान करें। मेरा जो है 40 साल पुराना जो है पैमाने में प्लाट है, उस प्लाट को जो है पूजा कसौधन भाजपा नेत्री हैं आए दिन कब्जा करना चाहती हैं। मैं सांसद जी के पास गया था अभी, तो बोली कि उनके पास गए क्या हो गया मेरा, वो आए दिन हमको बहुत परेशान करती, मेरा पूरा तोड़ दिए हैं, गेट वगैरह तोड़ दिए हैं। तो सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, देखिए कहीं ना कहीं जहां पर बीजेपी सरकार ये बात करती है, ये नारा देती है सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने की दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन उस बीच ही ऐसी तस्वीर भी सामने आती है कि उसी सरकार के उसी पार्टी के नेता इस तरह से गरीब और असहाय लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये पूरा मामला सुल्तानपुर का है जहाँ पर बीजेपी ये वादे करती है, लेकिन उन वादों पर किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है ये यहां पर तस्वीर देखने को मिली है। क्योंकि दरअसल बीजेपी नेत्री गरीब को घर से बेघर करने पर लगी हुई है। ये दिव्यांग सुरेंद्र हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। दरअसल सुरेंद्र की शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी दोनों से की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेत्री उसकी जमीन पर कब्जा करना चाह रही है। तो सुल्तानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी सामने इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए आपराधिक घटनाओं पर तो लगाम लगाना छोड़िए, अपराधियों पर तो लगाम कैसे लगाई जाएगी जब अपने ही पार्टी के नेता इस तरह के करतूत करेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ ये भी है कि अपराध तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में की हनक भी यहाँ पर नेता दिखाते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यूपी में अपराध आम हो चुका है। गोरखपुर की भी तस्वीर आपको हमने दिखाई कि किस तरह से गोरखपुर में एक कांग्रेस की नेत्री और उसके नाबालिग बेटे ने दरोगा के साथ हाथापाई की। दूसरी तस्वीर भी आपको हमने सुल्तानपुर से दिखाई जहाँ पर सुल्तानपुर में किस तरह से बीजेपी की नेत्री ने एक गरीब के घर पर कब्जा कर लिया है। तीसरी सीतापुर और रायबरेली और सीतापुर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर किस तरह की घटनाओं किस तरह की तस्वीर सामने आई है ये आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब तीसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं जो रायबरेली से सामने आई है, क्योंकि रायबरेली में भी दुष्कर्म की घटनाएं अब थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल सरैनी थाना क्षेत्र के एक गाँव में दलित महिला के साथ एक युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस इसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय जाँच टाल रही है। ऐसे में आरोपी को करने की कौन कहे, पुलिस के पास इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने तक का समय नहीं है, क्योंकि पीड़िता तो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंची थी तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। ऐसे में पीड़िता का आरोप है कि थाने की पुलिस ने यह कहकर मामले को 4 दिन लटकाए रखा कि जांच करेंगे और जांच के नाम पर सिर्फ पीड़िता के कपड़े और चूड़ियां लेकर पुलिस वाले चले गए, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। तो पूरा मामला ये रायबरेली का है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की बात तो दूर है, जो पुलिस जनता की मदद करने के लिए उन्हें रखा जाता है वही जनता की मदद करने
तो छोड़िए उनकी सुनने को भी तैयार नहीं है। सर मैं घर में अकेली थी, मेरे घर पे कोई नहीं था, राहुल जायसवाल आकर मेरे घर में जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया है। तो ये कब की बात है? ये 1 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे की बात है सर। तो इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, थाने में की थी, वहाँ पर नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं तुम्हारा मामला नहीं दर्ज करेंगे, तुम यहाँ से जाओ। क्या है कि हम 1 जनवरी को हम लोग वहाँ थे, हुल्लापुर में हमारे खेत हैं, प्याज निरा रहे थे। हम और हमारी बीवी और दो बिटिया और बहू घर में थी, और यहाँ बोले जब हम आए 3-4 बजे तो पता लगा कि ये ऐसा हादसा हुआ, तो हमारी बिटिया थाने गई। वहाँ से शाम को हम जब आए तो यहाँ देखा तो पुलिस वाले रहे। हम घर पर नहीं थे, ये जब हम घर पर लैट्रिन चले गए थे, जब वहाँ से वापस आए तो कहने लगी कि हमारे साथ राहुल जायसवाल घर के अंदर घुस के ज़बरदस्ती किया और हमको लेके सीधा सरेनी थाने गई। हम वहाँ अप्लीकेशन दिए और दे के घर आए, फिर यहाँ चले आए। फिर उसके बाद 5-6 दरोगा लोग, पुलिस आई, लेडीज आई। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, ये पूरा मामला सामने आया है कि महिला के साथ दुष्कर्म किया है और पुलिस से रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई की है, क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट है? राजू, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल, ये जिस तरीके से घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं से दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मामला ऐसा है कि घर में घुसकर एक युवक के द्वारा जबरदस्ती रेप किया गया महिला से। महिला ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली में की, जाकर तो कोतवाली से पुलिस तो आई, लेकिन 2 दिन वही पुलिस दबाव बनाने लगी महिला के ऊपर, इसी मामले को कहीं ना कहीं इसको खत्म कर दो। ऐसा होने पर जब मीडिया को जानकारी हो तो हम मीडिया के संज्ञान में पूरा मामला आया, तो कहीं ना कहीं इस तरह से मामले को देखकर पुलिस इसके बाद भी हरकतें अभी नहीं आई है और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया मामले। जी बिल्कुल राजू, और देखिए अपराधियों पर तो लगाम लगाने में पुलिस असफल साबित हुई रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर के बाद पुलिस भी सवालों के घेरे में खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीड़िता साफ तौर पर यह कह रही है कि वो शिकायत करने के लिए पहुंची थी थाने में और मामले से अवगत भी कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बिल्कुल, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं इस तरह से अगर ऐसी घटनाओं पे पर्दा डालने का काम करेगी तो ये अपराधियों के हौसले बुलंद निश्चित होंगे, और उसी तरह से ये मामला सरेली कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पे अगर इस मामले में पुलिस से बात भी करना चाहे तो पुलिस किसी तरह से निर्धारित नहीं होना चाह रही और न किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा बयान दिया जा रहा है पूरी घटना से। हालांकि ये दलित महिला रो रो कर क्षेत्र में परेशान है, और अगर दबंगों की बात की जाए तो दबंगों का रसूख इतना गहरा है कि उनके खिलाफ ना तो क्षेत्रीय लोग बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं और ना ही पुलिस। तो पुलिस कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस भी दबंगों के रसूख के आगे बढ़ने दिखाई पड़ रही है, और कहीं ना कहीं पुलिस ये अनुचित लाभ लेने को लेकर ऐसा मामला दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल राजू, और देखिए हम अक्सर देखते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से दावे तो किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर और व्यवस्थाएं भी कर दी जाती हैं, लेकिन शायद ये लगता है कि वो सभी दावे अगर वो लागू भी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो शहरी क्षेत्रों के लिए ही होते हैं। अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा घटनाएं इस तरह की ग्रामीण इलाकों में ही आती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, अभी हाल में ही टी थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं की हत्या हुई, सलोन थाने में 1 किशोरी की हत्या करके जंगल में फेंका गया, तो इस तरह से घटनाओं का अभी खुलासा भी नहीं हुआ और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है जिसपे पुलिस पता डाल रही। तो पुलिस के द्वारा अगर इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अगर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के बजाय अगर उनपे जो है संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। और खासतौर से रायबरेली पुलिस की बात की जाए तो पुलिस लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अपराधियों
को ही कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही जी। चलिए ठीक है राजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायबरेली का ये पूरा मामला है जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि पुलिस ने भी इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई तो दूर की बात है, पुलिस ने इस पूरे मामले में पीड़िता की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। दरअसल पुलिस का ये कहना था कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी, और जांच के नाम पर सिर्फ महिला की चूड़ियां और उसके कपड़े ही लेकर पुलिस गई, और उसके बाद तक अब तक कोई रिपोर्ट इस पूरे मामले में दर्ज नहीं की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है और ये कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले तो उत्तर प्रदेश में बुलंद है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते नजर आते हैं। क्योंकि देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले कई जिलों से सामने आ चुके हैं जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे तस्वीर सीतापुर की, जहां पर ऐसी वारदात हुई जो रोंगटे खड़े कर दे। दरअसल सीतापुर से 55 किलोमीटर दूर एक 80 साल के बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और हत्या ही नहीं आपको बता दें कि बुजुर्ग के शरीर पर को पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। तो सीतापुर का ये पूरा मामला है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग की हत्या की गई। तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, हालांकि पुलिस भी पहुंच गई, जांच पड़ताल पूरे मामले की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, किसी की भी हत्या कर दी जाती है, किसी को भी मार दिया जाता है, उसके बाद क्या सिर्फ जांच करने से मामला सुलट जाएगा, क्या सिर्फ जांच करने से आपराधिक घटनाएं थम जाएंगी? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहां पर है। शाम को खाना वाला खाया कि बात घर से बाहर निकले हैं, हाँ। और कोई अलाव तो आपका है, अलाव तो आपके लिए ये नहीं बताया जाने, किसी से फोन पर बात हुई, हाँ। तो बात होते घाटे अंदर रोड तरफ गया या किसी सड़क सड़क पे या किसी कार जाकर कार चले गए होंगे, हाँ। तो उसके बाद फिर 10-11 बजे ढूंढने लगे सबको, ढूंढने ढूंढते फिर सुबह हो गए, नहीं मिले, सुबह ज़्यादा थाना गया, इतना किया थाने से, नहीं थाने में भी रिपोर्ट लिखा गया ना। तो ज्योति कुमार हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है कि बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या अब तक पता पुलिस लगा पाई है कि किस वजह से हत्या की और किसने की थी? जी, जैसा कि बता दें कि हत्या की गई है, बताया जा रहा है कुछ विवाद हो गया था, विवाद के चलते जो है इस युवक की हत्या की गई है, और इसमें पुलिस जो है मौके की छानबीन कर रही है। जो आज जिनपे आरोप लगाए गए हैं वो सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि साफ तौर पे कि जल्द से जल्द जो है इन मुलजिमों को जो वारदात घटना को अंजाम दिया गया है तुरंत जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल ज्योति, पुलिस की तरफ से कहा तो जा रहा है कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, और इस तरह से कह दिया जाता है कि जांच की जाएगी, इसका मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल कहीं ना कहीं है कि ये भी उठता है कि क्या सिर्फ जाँच करने से आपराधिक मामले थम जाएंगे, और जो इंसान इस दुनिया से अब चला गया है क्या वो जाँच के बाद कार्रवाई करने के बाद वापस लौट आएगा? जी, इस मामले में ये देखने को मिला है कि सीतापुर जो खुलासा किया बताया जा रहा है कि कई खुलासे यहाँ जनपद सीतापुर में कई हत्याएं हुई, मर्जर हुए हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस जो है कुछ भी खुलासा करने से बचती रही है, हमेशा कोई भी खुलासा को सही तौर पे नहीं किया जाता है। अगर मौके पे आरोपी पे आरोप लगा आरोपियों पे आरोप किसी पे लगा दिया जाता तो उसी को जो है जेल में भेज करके पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है। इस प्रकार से सीतापुर के अपराधों की जो संख्या जो है निरंतर रोज जो है बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल ज्योति, और क्या अब इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक आरोपी के बारे में कुछ भी साक्ष्य जुटा पाई है? पुलिस बराबर यही कह रही है कि जांच तक हम पहुंच गए हैं, लगभग मुलजिम को पकड़ लेंगे जल्द से जल्द, लेकिन यहां पे जो है ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं मिल रहा है, लेकिन पुलिस हमेशा दावा करती है कि जो है जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर जेल में
डाला जाएगा। जी चलिए ठीक है ज्योति, आप बने रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अगली खबर पर। तो ये पूरा सीतापुर का मामला था जहां पर बुजुर्ग के निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस जांच की बात तो कह रही है कि जांच की जाएगी और जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर पुलिस कब तक इस पूरे मामले में आरोपी को पकड़ पाती है और कब तक इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और घटना के बारे में बताएंगे जो वो भी सीतापुर से ही है। आपको बता दें कि सीतापुर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि संदना के केशु मऊ इलाके में युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और युवक का शव गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गांव के ही तीन लोगों पर युवक की हत्या करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो एक और तस्वीर और एक और ऐसी ही आपराधिक घटना सीतापुर से फिर सामने आई है और वहां पर भी युवक को जान से मार दिया गया और गन्ने के खेत में उसका शव फेंक दिया गया। हालांकि शव जब मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में भी पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। तो चलिए मेरे संवाददाता सीतापुर से ज्योति लगातार बने हुए हैं हमारे पास। ज्योति, जिस तरह से एक और ये मामला भी सामने आया है, यहाँ पर भी युवक की हत्या कर दी गई है और खेत में शव को फेंक दिया गया है, इससे क्या समझा जाए कि सीतापुर में कितने ज्यादा हौसले बदमाशों के और दबंगों के बुलंद हैं? जैसा कि आपको बता दें कि संदना इलाके के केशव मऊ इलाके का मामला है, यहाँ पर भी एक जबरदस्त हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ पे एक नव युवक जो 25 वर्ष का युवक होता है उसकी गला रेत कर हत्या करके और गन्ने के खेत में जो है शव को फेंक दिया जाता है। कुछ लोगों के खेत वाले जब अपने खेत पे जाते हैं तो इस युवक को देखा जाता है कि इसका गला काट के किसी ने हत्या कर दी गई। इसको देखते ही लोगों में हड़कंप एक मच जाता है कि यहाँ पे जो हत्याओं का वारदात जो है सिलसिला बराबर जो है लगातार जारी है। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए इस तरह के मामले तो सीतापुर से लगातार सामने आ रहे हैं। इस मामले में भी अगर बात करें, तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगा है, क्या अब तक पुलिस इस पूरे मामले में कर पाई है, क्योंकि यहाँ भी यही कहा गया है कि जांच की जाएगी। हालांकि हत्या करने वाले जो आरोपियों पे पीड़ित परिवार पर आरोप लगाए गए हैं, तीन लोगों पे वो संगीन आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस से सूचना भी ये भी मिली है कि यहाँ पे जो है पुलिस ने जो है तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही कि पुलिस ने पकड़ा है या कि अभी तक पकड़ से ये मुलजिम जो है अपराधी जो है। जी यानी कि अभी पुलिस की तरफ से खुलासा नहीं किया गया है। जी अभी तक जो है पुलिस द्वारा कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश किया गया है कि पुलिस द्वारा जो है इन अपराधियों को पकड़ लिया गया है। जी बिल्कुल ज्योति, और पुलिस ये भी कह रही थी कि इस हत्या के कारणों का पता भी लगाया जाएगा कि किस वजह से हत्या की गई है, तो यानी कि उसका भी अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया होगा। पुलिस अभी तक जो है इस नतीजे पर नहीं है कि आखिर कारण क्या है, हत्या क्यों की गई है। बस केवल पुलिस यही बता रही है कि कुछ आपसी रंजिश को लेकर के ये हत्या की गई है। मेन कारण बस इतना ही बताया जा रहा है पुलिस द्वारा कि आपसी रंजिश के चलते कभी कहे सहने या कोई इस तरह से आशंका जताई जा रही है। जी चलिए ठीक है ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीतापुर की ही एक और घटना थी जहां पर भी युवक की हत्या कर गन्ने के खेत में शव को फेंक दिया गया था। हालांकि अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही देखिए ये पांच तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस तरह से आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है, ये बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि यूपी में अपराध अब आम बात हो गई है। भले ही शासन और प्रशासन ये कह ले कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत कम हो गया है, लगाम लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आती हैं। देखिए गोरखपुर की घटना से हमने आपको रूबरू कराया, सीतापुर की दो तस्वीरें आपको दिखाई, सुल्तानपुर और रायबरेली की भी दिखाई, जहां पर आपराधिक घटनाओं का ग्राफ कितना ज्यादा बढ़ गया है ये सामने देखने को मिल रहा है।
तो ये थी वो 5 तस्वीरें जो आज हमने आपको दिखाई, और इसके बाद आप खुद तय कर सकते हैं कि अपराध में कौन कितना जिम्मेदार है। इन आपराधिक घटनाओं का को दिखाकर हमारा उद्देश्य है आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, क्योंकि अगर आपके आसपास छोटी से छोटी घटनाएं होती हैं या बड़ी से बड़ी घटनाएं होती हैं तो ये आपका और हमारा नैतिक फर्ज है कि उसकी सूचना पुलिस को दे और आपके आसपास किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोके। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी आपको इन 5 सवालों के साथ आज छोड़े जा रहा है।